फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीज करने का मतलब क्या होता है? किसी एक सब्सटेंस का अगर वेपर प्रेशर, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, वो अगर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए और ये प्रोसेस जिस भी टेम्परेचर पे हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उस ज्यादा वैल्यू को तुम्हें कम करनी है, तो वेपर प्रेशर को तुम कैसे कम कर सकते हो? तुम्हें अगर इसे कम करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और टेम्परेचर कम करते करते जिस टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर आ जाएगा, हम क्या बोलेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जितना ज़्यादा आप सल्यूट मिलाते चलोगे किसी सोल्यूशन में, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है उतना ज़्यादा डिप्रेस होता जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा कम होता जाएगा।